हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत्यकाल, कैसे आप लोग? उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण मधुरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजे एंटरटेनमेंट ब्लॉग। हाँ जी दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। नई आशमा के साथ आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, जैसे आप लोग को पता है, टेलर मास्टर के रूम से अभी जस्ट आके खड़े हुए हैं। अभी बज रहा है दोस्तों 11:15, ऊपर घड़ी लगी हुई है और अभी आके बैठे थे, सोचा आप लोगों से मिलते चले। दोस्तों, पुराना एंड किया, नया चालू कर दिया, चलिए गाइस लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम। बढ़ते ब्लॉग में आगे और देखेंगे आज का वीडियो सारांश कैसा होता है, वीडियो कैसा होता है, तो जो भी कुछ होगा प्रस्तुत आपके सामने करेंगे दोस्तों चैनल के माध्यम द्वारा। और अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया, मैं आया हूँ और मालवीय जी है और अंदर भी शायद कोई नहीं आया, हो सकता है कोई आ गया हो, बच्चे बच्चे। तो चलिए दोस्तों, होते हैं रेडी अंदर जाने के लिए। बाल बाल वगैरह सही करते हैं, देख लीजिए हवा वगैरह लगा हुआ है और टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, तो गर्मी है दोस्तों। तो चलिए गाइस करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू और वीडियो को भी कंटिन्यू, बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे की ओर। हाँ जी गाइस, तो एक बार फिर से आ गए वहाँ अपन। अभी बज रहा है अपना 3:30 दोस्तों, 3:30 हो चुका है, आ चुके हैं घंटार और कर रहे हैं बढ़िया से अब कस्टमर का वेट। हालांकि कस्टमर अपना आज नंबर था दोस्तों, नंबर की बात कर लेते तो आज ही अपना नंबर, हाँ शायद पहले ही नंबर है, मैं भूल ही गया, पहला नंबर था दोस्तों। तो और बिलिंग भी बढ़िया रही, 11,000 की बिलिंग है, हालांकि थोड़ी सी बड़ी होती पर छोटी बिलिंग बनी, कोई बात नहीं चलता है। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर रखा है 26 डिग्री दोस्तों, बढ़िया टेम्परेचर है, जो भी कुछ है कुछ बढ़िया। हवा वगैरह चल रहा है, सामने ग्राउंड में मैच भी हो रखा है, मंदिर के कपाट बंद है और थोड़ी सी धूप वगैरह भी है दोस्तों। और बाकी बताना चाहूँगा, आज क्रिकेट मैच भी था इंडिया का, तो इंडिया ने बढ़िया पारी 64 रनों से और एक पारी से मैच जीत लिया है, ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ भी है। और अपना तो खैर नंबर हो गया, लेकिन और नंबर कन्वर्ट भी है, पीवी हो गया, शाम तक देखते हैं अगर एक आध कस्टमर और मिल गया उसको भी कन्वर्ट करेंगे, बाकी तो उम्मीद नहीं है। और कोई गर्मी के हिसाब से भी देखा जाए तो वॉकिंग की सुस्ती हो नहीं रही दोस्तों। हाल ही का शिवरात्रि का त्यौहार था जिसका समापन बहुत बढ़िया रहा दोस्तों, अच्छा, बिल्कुल सभी जगह खूब आतिशबाजी, खूब ढोल धमाके तरीके से बिल्कुल बारात निकली, सब कुछ अच्छा रहा, भोपाल का माहौल भी बढ़िया रहा था, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, तो कार्यक्रम तो बढ़िया सफल रहा। और अपना भी काम बढ़िया रहा, अपने को प्रसादी वगैरह सारा मिल गया, अपन कभी दिन अच्छा गया था दोस्तों। बाकी आप चलते हैं अंदर, करते हैं ब्रेनी वगैरह काम और बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि अंदर का खाली बैठने से अच्छा है ब्रेनी वगैरह काम करते हैं। अभी चलते हैं हाल फिलहाल के लिए अंदर और मिलते हैं हम लोगों से 8:30 के आसपास, या जो भी जैसा भी समय भी बनेगा, पता नहीं कितना बजे जैसा भी बनता है, वैसे 8:30 के आसपास होगा तो मिलने आऊँगा दोस्तों। और शनिवार का दिन है, ऊपर मंडी जाना होगा तो भी बताएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे कुछ जाओ बस चलो। हाँ जी गाइस, तो फिर से एक बार आ चुके हैं बाहर, सामने देख लीजिए ग्राउंड में रखा है मैच, बढ़िया सा मैच चल रहा है दोस्तों, मंदिर के कपाट हो चुके हैं बंद और इधर अपन खड़े हुए बढ़िया से बना रहा है ब्लॉग। टेम्परेचर की बात कर ले, टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री दोस्तों, थोड़ी सी ठंडक है और नॉर्मल सी है, लेकिन जा है जरूर थोड़ी बहुत। तो अभी तो अपन बाहर हैं, कर रहे हैं वेट छुट्टी होने का, जो कि होगी 9:15 के आसपास। और कल बिलिंग की बात कर लेते, बिलिंग आज अपना नंबर था दोस्तों पहला, हाँ पहला था, तो 11,000 के आसपास की बिलिंग हुई है, 11,000 की तो बढ़िया रही बिलिंग। और बाकी शोरूम में किसी की बिलिंग नहीं, टोटल सिर्फ अपनी अपनी बिलिंग है दोस्तों, सब लोग 0 पे थे और 0 से ही रह गए, तो देखते हैं होपफुली 9 बजे तक किसी के एक आध की बिलिंग हो जाए, तो उम्मीद तक नहीं रहा है, 10-15-20 मिनट में छुट्टी हो जाएगा दोस्तों, 9:15 तक हो जाना चाहिए, कोई कस्टमर है नहीं तो कहाँ से रखेंगे, रुकेंगे भी, बाकी ट्रैफिक थोड़ा सा नॉर्मल है दोस्तों, और 9 बजे तक और भी नॉर्मल हो जाएगा। बाकी ग्राउंड में कोई बढ़िया सा प्रोग्राम चल रहा है, टूर्नामेंट वगैरह का, तो वो उसकी आवाज़ें हैं, लेकिन सबसे मज़ेदारी बात भी हो और रोचक वाली बात है, सिर्फ सुबह पहली बिलिंग हुई वही मेरी हुई, सुबह से बिलिंग ही नहीं है, पूरा शोरूम नेल बैठा है। और अभी तो खैर अपना नंबर है, जहाँ तक कि अपन लपेट लेते हैं उसके बाद तो मुश्किल है आगे की बिलिंग हो, फिर भी खैर सबर अच्छा है, होपफुली अपन ये सोच रहे हैं शोरूम का भी ज़्यादा हो जाए और अपना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन कहाँ तक होता है वो तो महीने के एंड पर पता चल ही जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ बढ़ते रहे कुछ महीने, देखेंगे क्या होगा। और इसलिए महीना अपना होली वाला भी है तो और बिजनेस थोड़ा सा ठप होने वाला है, लेकिन फिर भी देखेंगे क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बताएंगे अपने चैनल के भी माध्यम से दोस्तों।
और बाकी तो कुछ नहीं, अभी तो चलते हैं दोस्तों अब अंदर, फिर से मिलते हैं आप लोगों से छुट्टी के समय, और जो भी होगा जैसा भी होगा तो आपके सामने करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से अंदर की ओर। हाँ जी गाइस, तो पहुँच चुके हैं एक बार फिर से बाहर, शोरूम हो चुका है बंद, अपन आ चुके हैं बाहर और कर रहे हैं संडे के भाई 10 बजे का टाइम है, 10:15 तक आएगा, जैसे भी आएगा चले हैं घर की ओर। तो बस लास्ट अपना ऑप्शन यही है कि अपन करते हुए वेट। और बताना चाहूँगा दोस्तों, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं, बहुत से मतलब डिक्लेयर ज़्यादा नहीं किए अभी, मतलब ऐसा अनुमान आ रहा है, तो घोषित कर भी दिए हैं और नहीं भी कर दिए। हालांकि केरल वगैरह से काफ़ी ज़्यादा सीटें देखते हैं जीतते हैं, तो उसका भी, और राहुल गांधी जी का भी आ चुका है, वो केरल के वायनाड से लड़ेंगे, तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। जैसे ज़्यादा परसेंटेज तो अपनी बीजेपी की है, वोट भी उन्हें कोई देना है। तो इसी के साथ करते हैं अभी इस ब्लॉग को थोड़ी देर के लिए बंद, और देखेंगे आप लोगों से कहाँ मुलाकात होती है, जैसी भी होगी जो भी होगी आएंगे दोस्तों एक बार फिर से मिलने। हाँ जी गाइस, तो अभी पहुँच चुके बाहर, और बाहर के पहुँच चुके हैं और आ चुके हैं दूसरे दिन पर अपने, तो करते हैं इस ब्लॉग को फिर, रात में सुन नहीं पाए थे, पहुँचे थे लेट। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके और क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में गुड नाइट, शुभरात्रि एंड शबा खैर, बना दोस्तों ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।